हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम टीच ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की इंस्टाग्राम रील्स वायरल स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह की हिंदी शायरी एटीट्यूड स्टेटस वीडियो अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की रील्स वायरल स्टेटस वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। दोस्तों, आपको इस तरह से एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आपको पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं पिक्सल लैब ऐप को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, आपको बीच में एक न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। गाइस, आपको राइट साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल की यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर किसी भी फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस, आपको यहाँ पर इसमें 960 वाली साइज को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, आपको ऊपर लेफ्ट साइड में प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस यहां से आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहां से गाइस आपको एक साड़ो PNG इमेज को इसमें सिलेक्ट करना है। आपको इस इमेज की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आपको वॉलपेपर में इस तरह से नीचे साइड में इसको लगा देना है। आपको इसको फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको इसमें शायरी को लिखना है। तो गाइस, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आपकी शायरी कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगी। अब यहाँ पर गाइस आपको इसमें बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसमें किसी भी फॉन्ट को लगा सकते हैं इस तरह से। तो गाइस, हम इनमें से किसी भी फॉन्ट को नहीं लगाएंगे। गाइस, जो इंस्टाग्राम पर वायरल फॉन्ट चल रहा है उस वाले फॉन्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपको उस वाले फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉन्ट मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, आपको फॉन्ट डाउनलोड होने के बाद आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस तरह से। यहाँ पर आप जो भी शायरी लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको उसको लिख देना है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर हम शायरी को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी शायरी आ चुकी है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट में ही, यूनिक कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने एक ऐड आएगी, आपको उसको स्किप कर देना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। तो इस तरह से गाइस आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। इस शायरी को पहले हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब गाइस आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, आपने जो फॉन्ट वाले ऐप से शायरी को कॉपी किया था, यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम शायरी को पेस्ट कर देंगे। आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह से हमारी शायरी कुछ आ जाएगी। आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको राइट साइड में स्क्रॉल करके फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस वाले फॉन्ट को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो इस वाले फॉन्ट को हम इसमें लगा देंगे। गाइस, आपको पिक्सल लैब ऐप में फॉन्ट को ऐड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपके जिस भी फोल्डर में फॉन्ट हैं आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह से हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक करना है।
क्लिक होने के बाद आपको ऐड सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपको इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ से हम ओके पर क्लिक करके इस वाली शायरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से गाइस हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से हम शायरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरह से हमारी शायरी सेट हो चुकी है। अब गाइस आपको यहां से टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से गाइस हम इसमें एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको नीचे साइड में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से हम अच्छे सेट करने के लिए इसको अच्छे से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारी शायरी कितने अच्छे तरह से यहाँ पर दिख रही है। गाइस आपको शायरी पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से राइट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिला कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप इसमें जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। यहाँ से गाइस हम इसमें येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस आप इसमें अलग अलग कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से हम इसमें अलग अलग कलर को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने साड़ी में अलग अलग कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह से साड़ी में अलग अलग कलर को लगा सकते हैं। अब गाइस हमने जो यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट किया था इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम इसमें भी कलर को कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसमें भी कलर को लगा देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी साड़ी कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर लग रही है। अब गाइस आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वेरी हाई वाली क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर है गैलरी में सेव हो चुका है। गाइस आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद यहाँ से आपको एक ऐप को इसमें डाउनलोड कर लेना है। इनशॉट ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वीडियो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको उस वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, जिस वॉलपेपर को गाइस आपने अभी एडिट किया था उस वॉलपेपर को आपको सिलेक्ट करना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा वो वाला वॉलपेपर यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस आपको एक फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर यहां से इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इस तरह से हम 12 सेकंड तक इसको लंबा कर देंगे। अब गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको इसकी लेयर को खींचकर पूरे वॉलपेपर में लगा देना है। इस तरह से अब गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अभी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ से आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है म्यूजिक वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिला है एस्ट्रिक ऑडियो फ्रॉम वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस हम वीडियो से ऑडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो का ऑडियो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में ऑडियो लग चुका है। और गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक गाइस हम इस ऐप के वाटर मार्क को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इनसॉर्ट वाला, इनसॉर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फ्री रिमूव, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने एक ऐड आनी चालू हो जाएगी। आपको उस ऐड को वॉच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ऐड को वॉच कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो से इनसॉर्ट वाला जो ऐप का वाटर मार्क है वो हट चुका है। अब गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको 1080p की क्वालिटी में डाउनलोड करेंगे। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है।
गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो गाइस आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए एटीट्यूड सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।